नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, ऑलरेडी हमारा कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है, हमने कुछ ग्रामर के टॉपिक भी देख लिए हैं। राइट नाउ अभी हमारी फाइनल एग्जाम नजदीक आ रही है, राइट? तो नाउ स्टूडेंट, आज से हम लोग रिविजन स्टार्ट करेंगे। तो रिविजन में हम किस प्रकार करेंगे, तो इस बार हम लोगों को पता है कि हमारी टू टाइप्स एग्जाम है, दैट मीन्स की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव में हमारी ऑफलाइन एग्जाम रहती है, राइट? और ऑब्जेक्टिव यानी कि जो हमारी ऑनलाइन एग्जाम होती है, राइट? तो आज हम लोग पहले दो सेशन सब्जेक्टिव के करेंगे और फिर बाकी के दो सेशन हम लोग ऑब्जेक्टिव के करेंगे, राइट? नाउ तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा कोर्स, यानी कि हमारे कितने चैप्टर आने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेम वन का सिलेबस भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, राइट? तो नाउ स्टूडेंट, हमारा बिफोर दिवाली जो चैप्टर थे उसमें से चैप्टर नंबर 4 और 6, राइट? यानी कि सेम वन के कोर्स में से चैप्टर नंबर 4 और 6 हमें कंडक्ट करना है और आफ्टर दिवाली हमने चैप्टर 8 to 16 हमने कंप्लीट कर लिया है। दैट मीन्स कि इस फाइनल एग्जाम में ये हमारा कोर्स रहेगा, चैप्टर 4, 6, चैप्टर 8 और 2, 16, राइट? नाउ स्टूडेंट, तो देखो चैप्टर 8 to 16 है, उसमें हमने एक बार हमारी एग्जाम भी हो गई है 8 से 12 तक चैप्टर तक, और बाकी के चैप्टर अभी हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे, राइट? तो खासकर चैप्टर नंबर 4 और 6 में हम लोग एक बार ध्यान देंगे। तो आज हम लोग इस सेशन नंबर 1 में चैप्टर 4 to 12, 13 तक के हम लोग सारे लेसन समझेंगे कि किस लेसन के अंदर क्या था, किसने क्या किया था, राइट? वो सब कुछ हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी के लेसन और हमारी सब्जेक्टिव की वर्कशीट कम्प्लीट करेंगे, ओके? थर्ड सेशन की बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में क्या था, कोयल की बोली। तो हमें पता है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, काली कोयल की मीठी बोली की बात हो रही है, उसकी कुकुक आमों में मिश्री भर देती है, मिश्री यानी कि मिठास भर देती है। और कभी फिर क्या कहती है कि कोयल बहुत दिनों के बाद आई थी और क्या संदेशा लेकर आई हो, ऐसा वो प्रश्न कर रही है ना। फिर कोयल अपनी मीठी आवाज में किसे बुला रही हो और क्या बादलों से तुम पानी बरसाने को कह रही हो, राइट? ऐसी सारी बातें यहाँ पर कवियत्री ने की थी। क्या कोयल ने मिठास अपनी माँ से पाई है, राइट? क्योंकि उसी की तरह वो मीठी बोली बोलती है। कोयल डाल डाल पर उड़ती रहती है, कोयल ने अपनी माँ की हर बात मानी है, इसलिए वह चिड़ियों की रानी कहलाती है, राइट? कोयल है वो चिड़ियों की रानी कहलाती है। अभी हम हमारी बुक का देखें तो हमारी पाठमाला में उसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को एक बार रीड कर लेने हैं, खासकर विशेष्य और विशेषण, राइट? विशेषण हमें पता है कि कोई चीज को हम कैसा प्रश्न करेंगे तो हमें विशेषण मिलेगा, राइट? कोयल, कैसी कोयल, काली कोयल। बोली, कैसी बोली, मीठी बोली, कड़वी बोली, तो मीठी कड़वी वो सारे क्या हुए, विशेषण हुए। धरती, कैसी धरती, प्यासी धरती, तो प्यासी शब्द हुआ विशेषण, राइट? फिर टुक वाले शब्द देख लेना, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया शब्द हमने बहुत बार कर लिया है। संज्ञा यानी कोई भी नाम, सर्वनाम यानी नाम की जगह लेने जाने वाला शब्द, और क्रिया यानी कि कोई भी हम लोग कार्य करते हैं वो। डन, राइट? नाउ स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं कि पक्षियों का राजा कौन है, गरुड़। पशुओं का राजा शेर। फलों का राजा आम। फलों की रानी लीची। और फूलों का राजा गुलाब, राइट? ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। फिर हमने देखा था चैप्टर नंबर 6 देखना है, उसमें क्या था कि गुरु दक्षिणा। हम लोग जानते थे कि गुरु दक्षिणा लेसन में क्या था, कि एक गुरु थे और उसका एक जो शिष्य था, राइट?
उसके बारे में हमने बात सीखी। एक बार पूरा हम लोग देख लेते हैं क्या था कि महाज्ञानी स्वामी विरजानंद दृष्टिहीन थे। विरजानंद जी कैसे थे? दृष्टिहीन यानी कि उसकी आंखें नहीं थी, जिनके पास अनेक राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे वो कैसे थे? महाज्ञानी थे। एक दिन एक निर्धन लड़का उनसे ज्ञान प्राप्त करने आया जिसका नाम दयानंद था। क्या था? दयानंद, यानी कि दयानंद के गुरु का नाम क्या था? विरजानंद, राइट। दयानंद को विरजानंद ने शिष्य बना लिया और वह लगन से अध्ययन करने लगे। दयानंद जी थे वो एकदम ध्यान पूर्वक अभ्यास करने लगे। विरजानंद जी को बहुत क्रोध आ जाता था जल्दी, राइट। वो हम जानते थे किसे क्रोध बहुत आ जाता था? विरजानंद जी को। एक दिन सफाई करने के बाद दयानंद ने कूड़ा एक जगह रख दिया। विरजानंद जी का पैर उस पर पड़ा और वे दयानंद पर बहुत क्रोधित हुए। 3 वर्ष तक भी दयानंद जी ने वहां पर अभ्यास किया और फिर वो विदा लेते समय दयानंद जी ने वो गुरु दक्षिणा देते, राइट। जैसे कि हम लोग फीस पे करते हैं वैसे उस समय गुरु दक्षिणा दी जाती थी। तो फिर दयानंद जी को पता था कि उसके जो गुरु थे उसको क्या पसंद है? लोग बहुत पसंद थी, राइट। तो वे निर्जन थे इसलिए इधर उधर से कुछ लोग मांग कर, क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद थी, और वो ले आए दयानंद जी, राइट। विरजानंद जी उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो पूरे सरल संसार में फैलाए, राइट। विरजानंद जी क्या चाहते थे गुरु दक्षिणा में? कि जो दयानंद जी ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो सारे संसार में फैलाए। उनका कहना था कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सबका होना चाहिए, सबको ये अधिकार होना चाहिए, राइट। तो ये था हमारा गुरु दक्षिणा का लेसन। खास उसमें क्वेश्चन आंसर भी देख लेने और शब्द को वर्ण विच्छेदन, फिर विराम चिन्हों को रखना, जैसे कि महर्षि दयानंद बहुत बड़े संत थे, इट्स सिंपल वाक्य, तो उसमें से क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा, राइट। महर्षि दयानंद बहुत बड़े संत थे। फिर तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न किया है तो वहां पर लगेगा प्रश्न चिन्ह, तुम्हारा नाम क्या है? फिर मैं अपने शिक्षकों का आदर करता हूँ, पूर्ण विराम लगेगा, क्या लगेगा? पूर्ण विराम, खड़ी पाई। तुम्हें कौन से विषय प्रिय है, तुम्हें कौन से विषय प्रिय है, यहाँ पर भी प्रश्न किया है तो प्रश्न चिन्ह करना है, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को विराम चिन्हों पर भी एक बार नजर डाल देनी है, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग हमारा चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 में क्या था वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 था होमवर्क का वायरस। हम लोग जानते हैं कि मीनू और पिंकी दोनों सहेली थी और वो दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती थी, राइट। फिर एक दिन क्या हुआ था कि चलो पूरा लेसन देखते, राइट, फटाफट। मीनू और पिंकी एक ही पाठशाला में पढ़ने वाली चौथी कक्षा की छात्राएं थी। दोनों लड़कियां पाठशाला में दिए गए होमवर्क से परेशान थी क्योंकि उस बार गणित का होमवर्क कुछ ज्यादा था। पिंकी के पास कंप्यूटर नहीं है इसलिए वह खुद होमवर्क करने का विचार कर रही थी। पिंकी के पास कंप्यूटर नहीं था। मैंने उस बार लिखा था कि पिंकी और मीनू में खास ख्याल रखना किसके पास कंप्यूटर है और किसके पास नहीं है। तो पिंकी के पास कंप्यूटर नहीं है इसलिए वो खुद होमवर्क करने वाले थे, और मीनू के पास कंप्यूटर है इसलिए उसको तो उसने तो निश्चय कर लिया था कि वो अपना सारा होमवर्क कंप्यूटर से करवाएगी। फिर पिंकी से जल्दी से अपने घर जाती है और खाना खा के फटाफट होमवर्क करने बैठ जाती है, और मीनू है उसको तो क्या करना था, कंप्यूटर के पास होमवर्क करवाना था, तो वो तो सीधी फटाफट खाना खा के अपनी सहेलियों के साथ खेल कूद करने में लग जाती है, और वो फिर बुलाती है पिंकी को। तो पिंकी कहती है मैं फटाफट पहले होमवर्क खत्म कर लेती हूँ फिर मैं खेलने आऊंगी। फिर बहुत देर तक वो लोग खेलते हैं और फिर शाम को जब मीनू घर पर जाती है और अपना कार्टून देखती है और फिर वो कंप्यूटर में होमवर्क करने बैठती है और क्या हो जाता है, वायरस आ जाता है। और फिर दूसरे दिन जब मीनू को पूछा जाता है होमवर्क के बारे में तो वो
रोने लगती है और फिर तब क्या होता है, तब पिंकी सारी बात बताएगी। उसने सब कुछ भरोसा किस पर रखा था, कंप्यूटर पर, राइट। तो हमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती जिस पर हमें भरोसा पूरा छोड़ देना चाहिए, राइट। कंप्यूटर एक मशीन है तो उसने कभी भी कुछ भी बिगड़ सकता है, तो हमारा काम अधूरा रह सकता है, जैसे कि मीनू का रह गया, राइट। जैसे कि यहाँ पर अध्यापिका ने बताया था कि बहुत से हमारे जो स्टार्स है, फिल्म स्टार है, वो सब भी अपने जीवन में होमवर्क करते हैं। होमवर्क यानी कि ऐसा नहीं कि लिखना पढ़ना, कोई भी कार्य हम लोग करते हैं उसके लिए हमें खूब मेहनत करनी पड़ती है, राइट। तो यहाँ पर हमने ये सारी बातें देखी कि स्कूल से प्रश्न जो क्वेश्चन आंसर है, स्कूल से लौटते समय मीनू किस बात को लेकर परेशान थी, तो मीनू को जो होमवर्क मिला था उससे वो परेशान थी, राइट। तो ये था चैप्टर नंबर एक, होमवर्क का वायरस। और अध्यापिका ने खूब अच्छा समझाया कि हमें कभी भी किसी पर भी पूरा भरोसा छोड़ देना चाहिए नहीं, और जीवन भर हमें भी होमवर्क मिलता रहेगा, राइट। हमें भी, हम कुछ भी कार्य करेंगे तो हमें होमवर्क यानी कि हमें कुछ भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो काम अच्छा रंग लाएगा, राइट। उसके बाद था चैप्टर नंबर 9, वृक्ष। तो हमने वृक्ष में क्या देखा था कि अंकुर मिट्टी में सोया है, दैट मींस कि हवा ने एक बीज को लाकर मिट्टी में बो दिया है, तेज हवा चली और एक कहीं से बीज आया और वो मिट्टी में छुप गया, उसके ऊपर मिट्टी लग गई। बीज ने अंगड़ाई लेकर आंख खोलकर बाहर की दुनिया देखी, खाद और पानी पाकर वह बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ, खाद और पानी खाकर वो बढ़ने लगे यानी कि बड़ा होने लगा। वह बीज वृक्ष बन और बना और तने डालियां पत्तों तथा फूलों से लद गया, यानी कि फिर उस बीज में से डालियां निकली, उसका तन निकला और उसमें फल फूल से वो पूरा लदने लगा। वह वृक्ष जीता मरता, रोता, सांस लेता, झांकता और सोता था। हम लोग जानते हैं कि फूल वनस्पति है, वो लिविंग थिंग्स में गिना जाता है, राइट। तो वो खाता पीता सोता, यहाँ पर कवि की कल्पना है। चिड़िया उस वृक्ष पर रात बिताती और सवेरे उठकर चली जाती, यानी कि वृक्ष से वो पक्षियों का सहारा है, वृक्ष पर वो अपनी अपना घर बसाते हैं पक्षी, राइट। फिर देखो अंकुर कहाँ सोया था, तो अंकुर मिट्टी में सोया था, राइट। हवा बीज को कैसे बो सकती है, तो एक हवा बीज को उड़ा कर कहीं से लाती है और वो बो देती है, राइट ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10, ओके सॉरी चैप्टर नंबर 9 हमने देख लिया, फिर देखते हैं चैप्टर नंबर 10, होली। तो हमें पता है कि होली के बारे में क्या था, होली अभी होली गई ना, बहुत पहले जैसी नहीं थी, राइट। बट देखो यहाँ पर लेखक क्या कर रहे थे बात, कि सबसे उसका प्रिय त्योहार था होली का, लेखक का, राइट। और होली का नाम सुनते ही उनके मन में रोमांचा भर उठता था, अलग अलग रंगों से रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों के साथ खेलने में उन्हें बड़ा मजा आता था। माता जी रसोई में मिठाइयां बनाने में व्यस्त रहती थी, कई बार पिताजी भी उसकी मदद करने जाते थे, राइट। लेखक 9-10 वर्ष के रहे होंगे, होली के दिन रंगों से भरे गुब्बारे लेकर मित्रों के साथ वो छत पर चले गए। फिर क्या हुआ कि होली का दिन था और रंगों से भरे गुब्बारे लेके, रंगों के पानी से भरे गुब्बारे लेके वो छत पर चले गए, क्योंकि रंग सारे खत्म हो गए थे, अभी सिर्फ गुब्बारे ही बचे थे। फिर क्या किया कि वो लोग ऊपर छत पर जाके छुप गए थे। शाम के अंधेरे में ठीक से सभी को कुछ दिखाई दे रहा नहीं था, सड़क पर आते जाते लोग क्या करते, गुब्बारा लेते और जोर से मारते थे। और फिर क्या हुआ कि एक दिन फिर उस गुब्बारे को जब एक व्यक्ति पर उसने मारा तो वो व्यक्ति था वो नीचे गिर पड़ा। फिर वो लोगों तो कुछ भी पता ही नहीं है, फिर घर जाकर पता चला कि वो गुब्बारा लेखक के दादाजी को ही लगा है, और जिसके लिए डॉक्टर को बुलाया गया है और पूरे घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। और फिर क्या देखा कि दादाजी की आंखों में चश्मा टूट गया और उसका एक कांच दादाजी की आंख में लग गया और उसकी वजह से दादाजी का ऑपरेशन भी करना पड़ा था, राइट। तभी से लेखक के मन में उसने निश्चय कर लिया कि वो कभी भी आगे से ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो हमने इस क्षेत्र में ये भी
सीखा था कि हमें भी त्योहारों को खुशी खुशी से मनाना चाहिए, किसी को भी सामने वालों को नुकसान ना हो जाए, राइट। तो यहाँ पर ये लेसन था हमारा। नाउ स्टूडेंट, उसके विशेषण और विशेष जो हमारे ग्रामर के टॉपिक्स है वो भी आप लोगों को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि रंग, कैसा रंग तो लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, गुब्बारा तो कैसा गुब्बारा, रंगीन गुब्बारा, बड़ा गुब्बारा, छोटा गुब्बारा, राइट। गुजिया तो गुजिया कैसी, मीठी गुजिया होती है, राइट, वो तो मीठी विशेषण ही उसका सूट होगा। फिर दादाजी तो दादाजी अच्छे दादाजी, घायल दादाजी, राइट, बड़े दादाजी, तो ये सारे उसके विशेषण हो गए। पिताजी तो नाराज पिताजी, राइट, पिताजी कैसे हो गए थे नाराज, अच्छे पिताजी, ऐसा भी विशेषण हो सकता है। सड़क तो सूनी सड़क, लंबी सड़क, ओके, छोटी सड़क, ऐसे शब्द विशेषण हम लोग ऐड कर सकते हैं। डन। फिर उसके बाद हमने देखा था तितली रानी, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में था तितली रानी, तो हमने उसमें क्या देखा था, तो बच्चों और तितली के बीच का वार्तालाप यहाँ पर दिखाया गया है। तितली बहुत सुंदर, आकर्षक तथा रंग बिरंगी होती है, वो तो हम लोग जानते हैं कि तितली कैसी होती है, सुंदर और रंग बिरंगी और एकदम आकर्षक होती है। उसका भोजन फूलों का रस होता है, उसका भोजन कैसा होता है, फूलों का रस, जिसे चूसने के लिए वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, राइट, मंडराती रहती है एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर। तितली के मुंह में प्रोबोसिस नामक एक सुंड नुमा जीभ होती है, जिससे वह फूलों का रस चूसती है। उसकी जीभ होती है सुंड की समान, हाथी की सुंड कैसी होती है, उसकी समान होती है, उसको प्रोबोसिस नामक जीभ कहते हैं, और उससे वो फूलों का रस चूसती है। वह पत्तों पर अंडे देती है जिन्हें कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है। कैटरपिलर लार्वा पत्तियां खाकर बड़े होते हैं, उनके चारों ओर बड़ा खोल बनता है जिसे प्यूपा कहते हैं, राइट। उनके चारों ओर क्या होता है, खड़ा खोल बना होता है, उसको क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। प्यूपा से तितली निकलती है, क्या निकलती है, तितली निकलती है। सिर, वृक्ष और उदर तितली के शरीर के तीन मुख्य भाग है, तो तितली के कितने मुख्य भाग है, तीन, कौन कौन से है, सिर, वृक्ष और उदर यानी कि पेट, ये उसके तीन भाग है, जिनसे तीन जोड़ी पेड़ जुड़े हुए हैं, तीन जोड़ों में पेड़ जुड़े हुए हैं। सिर पर लगी एंटीना की मदद से वो गंध की परख लगाती है कि कहाँ पर गंध आती है, उसके ऊपर एंटीना लगी होती है, उससे वो पहचानती है। इनकी जीवन अवधि से दो से तीन सप्ताह की होती है, उनका जीवन कितना होता है, सिर्फ दो या तीन सप्ताह, ना ही कि आठ दस सप्ताह, राइट। उनका जीवन, सामान्य तितली का जीवन दो से तीन सप्ताह का ही होता है, राइट। नाउ चैप्टर नंबर 12 भी देख लेते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर ट्वेल्व था डिज्नीलैंड। तो भारत से लौटने के बाद आकाश के चाचा अमेरिका में उन्हें याद कर रहे थे, राइट। एक पत्र था और हमने देखा था कि उनके जो आकाश के चाचा थे वो भारत में रहे थे और फिर वो अमेरिका गए, तो वहां पर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा था, भारत की याद आ रही थी। फिर उसके सारे मित्र है वो उसको कहाँ पर ले जाते हैं, डिज्नीलैंड में ले जाते हैं। वे मित्रों के साथ डिज्नीलैंड गए और आकाश को उसके बारे में बता रहे थे। सियाटल से कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में पहुंचे। डिज्नीलैंड पार्क सपनों की अद्भुत दुनिया है। इसका निर्माण करने का विचार वॉल्ट डिज्नी को तब आया जब वह अपनी बेटियों को एक गार्डन में घुमाने ले गए थे। ग्रिफिथ पार्क उसका नाम था, राइट। गार्डन का नाम क्या था, ग्रिफिथ पार्क। दिनांक 18 जुलाई 1955 को डिज्नीलैंड आम जनता के लिए खोला गया था और उस दिन पहले ही दिन 50,000 लोगों ने वहां पर उसका आनंद लिया था। फिर टून टाउन में मिकी और मिनी का घर है, यहाँ सभी कॉमिक्स तथा अन्य कहानियों के पात्र साकार किए गए हैं। यहाँ की अद्भुत राइड्स
और सबको सबको एक अलग ही आनंद दिलाती है। आकाश के चाचा ने उसे कहा कि वो उस पर कुछ फोटो भी भेजेंगे। राइट, नाउ यहाँ पर ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 12 था वो कंप्लीट होता है। फिर हमने देखा था चैप्टर नंबर 13। देखो 13 तक ही करेंगे, 14, 15 और 16 हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो चैप्टर नंबर 13 था सबसे उज्जवल कौन, और वो था अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्हें बहुत मान सम्मान तो मिलता ही था, साथ साथ वे किसी भी समय बादशाह से मिलने जा सकते थे। एक बार बादशाह अकबर ने प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे उज्जवल क्या है, तो उत्तर में सभी ने कपास, बर्फ, दूध, चांदी इत्यादि सब कुछ बता दिया। पर बीरबल का कहना था कि सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी है। फिर अकबर ने कहा कि ये आप लोग को साबित करना पड़ेगा कि सूरज की रोशनी सबसे उज्जवल है। फिर एक दिन बीरबल ने बादशाह के शयन कक्ष से यानी कि बेडरूम के बाहर दरवाजे के पास एक कटोरा दूध और कुछ कपास के फूल रख दिए। सुबह जब बादशाह कमरे से बाहर आए तो उनके पेट की ठोकर उस दूध की कटोर पर और वो कपास के फूल के ऊपर पड़ी और वो सब कुछ बिखर गया। बाहर आते ही सूर्य की रोशनी में उन्हें सब कुछ दिखाई दिया और बीरबल वही खड़े थे। अकबर बादशाह को पता चल गया कि ये सब कुछ करतूत किसकी है, बीरबल की है। यानी कि फिर बीरबल ने साबित कर दिया कि दूध आप सबसे उज्जवल कहते हैं, बट दूध पर भी जब रोशनी पड़ती है तो आपको पता चलता है कि ये सफेद है। राइट, तो इसीलिए सबसे उज्जवल कौन हुआ, सूरज की रोशनी। राइट, तो नाउ स्टूडेंट चैप्टर 13 तक अभी हम लोग करते हैं, अभी हमारा नेक्स्ट सेशन अभी ही हम करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग चैप्टर 14 करेंगे, 15 करेंगे, 16 और हमारी सब्जेक्टिव वर्कशीट भी करेंगे। डन, तो नाउ स्टूडेंट बाय बाय।